मैं अभी सोया हुआ था तो मरियम ने कहा उठ जाओ मरियम सिस्टर ने, तो मैं ना ऐसा लग रहा ख्वाब देख रहा हूँ। आपका लाइव विद मरियम में, तो कैसे हैं आप सब? मेरा सब खैरियत से होंगे। तो आज की जो मेरी वीडियो है, जैसा कि आपको सबको पता है, तो सब मुझे कह रहे थे कि मरियम अभी आप सेलिब्रेशन करें, क्योंकि मैं हमेशा करती होती हूँ। तो आज मेरी वीडियो इसी टॉपिक पे आया कि आज मैं सेलिब्रेशन कर रही हूँ, सब मिलकर हम सेलिब्रेशन करेंगे। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, मेरी वीडियो को लाइक करना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि वहाँ से आने वाली हर न्यू वीडियो तक पहुंचेगी। मैं इंस्टाग्राम भी फॉलो करने पर आपको मिल जाएगा, और आप सबकी प्यार मोहब्बत की वजह से मैं यहाँ तक पहुँची। तो बस अपना सबका लेना सेलिब्रेशन करनी है, तो जाहिर है आप केक तो बनता है, मैं रेडी होती हूँ, फिर उसके बाद हम चलते हैं केक लेने। और मैं केक लेने किसके साथ जा रही हूँ, बस अब गैस करें कौन हो सकता है। चलिए वेट करें। तो चलो जी, मैं रेडी हो चुकी हूँ, कपड़े चेंज कर लिए मैंने, तो अब मैं जा रही हूँ किसके साथ, गैस करें। अब मुझे अभी तक नहीं पता किसके साथ जाना है मैंने केक लेने, तो जब जैसे बाहर निकलूँगी मुझे पता चलेगा किसके साथ जाना है, आशा के साथ जाना है कि किसी और के साथ जाना है। तो यहाँ पर मम्मी भी बैठी हुई हैं, तो अभी मैं जा रही हूँ। तो हाँ जी, जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि मैं किसके साथ जा रही हूँ, तो अली के साथ जा रही हूँ। और साथ यहाँ पे हमारी अनमोल भी रेडी हो चुकी है, पहले ही मेरी फूफो के साथ रेडी हुई है। ये अनमोल भी जा रही है, हाँ। अनमोल ने ताक नहीं करना जाके वहाँ, ठीक है ना, किसी चीज़ को हाथ नहीं लगाना फिर, ठीक है? चलो चले चले चले, तो बाइक पर चलेंगे हम, हैं बाइक। चलो, अनमोल ने यहाँ पे गेट ओपन कर लिया, तो यहाँ पे अली भाई बाइक स्टार्ट करने लगे हैं। बस बहुत काफ़ी देर बाद ना मैं बैठती हूँ, एक दफ़ा काफ़ी देर हो गई है, मैं पहले बैठी थी, मैंने वीडियो शूट भी की थी आप लोगों के साथ, मैंने की थी शेयर। तो आज ना फिर उसके बाद आज मैं बैठने लगी बाइक पे, चलें निकालें बाइक। जी हमारी अनमोल बहुत ज़्यादा खुश है, बाइक बैठेगी। मेरी फूफो, आप मेरी फूफो के साथ बैठोगे आगे के पीछे बैठोगे? आप आगे बैठोगे, आगे बैठोगे, जितना करोगे है ना। चलो ठीक है, बैठो आप। और अब मैं पीछे बैठ रही हूँ। तो चले जी, हम वहाँ पहुँचे हैं यहाँ पे, यहाँ से हम लेंगे केक और साथ और भी चीज़ें हैं वो लेनी है। चले अनमोल, अनमोल आ जाओ। ये लगे हुए केक यहाँ से लेंगे, सिंपल सा केक देना है, हम गरीब लोग हैं, हम देखते हैं। हाँ चले चले, केक पैक हो चुका है, आप लोगों ने देख लिया होगा कि कैसा केक है, क्योंकि सब ये वाला केक खाना पसंद करते हैं। यहाँ से हमने लिए हैं अनमोल, क्या ये बर्गर्स लिए ना, क्योंकि हमने आज बर्गर बनाने हैं, तो ये भी सब कुछ हमने पैक करवा लिया है। अनमोल ने फिर चिजी भी ले दी, मेरी फूफो ने लेके दे दी चिजी, कुछ पापा ने लेके दिया, कुछ मेरी फूफो ने। चले अब घर चले। चले जी, हम आ चुके हैं आयशा केक लेके, हम आ गए हैं। बहुत बहुत मुबारक हो कि आपके 70,000 सब्सक्राइबर्स हो गए, बड़ी मेहनत की मरियम बेचारी ने, मरियम का हौसला है, मैं कभी जिंदगी में इतनी मेहनत नहीं कर सकती, सबको इकट्ठा करना, अपने व्लॉग्स में फैमिली व्लॉगिंग करना बहुत मुश्किल है मेरे लिए। अच्छा, सबका वेट करना, आपकी हिम्मत है, और बहुत कुछ किया है इस वीडियो में, सिर्फ इकट्ठा करना नहीं है, कुछ और भी होता है, और भी किया है। हाँ चले, आप बैठे, मैं लंबी बातें नहीं करना चाहती, फिर आपकी बात पकड़ी जाती है कुछ। तो यहाँ पे भी सब रेडी है, हमारी अनफा इतनी प्यारी रेडी हुई है, देखिए जरा माशाल्लाह से, हमारी सारी बातें तुम्हारी सुन रही है। हाँ बच्चे सारी बातें सुनते हैं, कान है बच्चों के। अनमोल भी हमारे साथ गई थी, आ गई है और चीजें खा रही है अब। ये भी अब सो के उठे हैं लगता है, मुझे नींद पूरी नहीं हो रही इनकी आजकल। और अम्मी भी आजकल बहुत हंस रही है, अम्मी बहुत मुस्कुरा रही है, अम्मी को समझ नहीं आ रही क्या कहना है ना अम्मी, है ना। आ जाओ, आप गोद में उठा के लेके आऊंगा मैं, आ जाए आप केक आ गया, आ जाओ
अरे भाई गाने सुनते जा रहे हैं ना कि दुनिया की खुश नहीं है। आज अब केक लेने गए थे मेरे साथ, तुम काटो तो सही। अब मैं कब गया था लेने? अभी तो आयो, भूल गए ये लोग, सबकी यादाश्त बहुत कमजोर है, बादाम नहीं खाते हैं ये लोग। आ जाओ यहाँ पे देखिए, सुनीता भाभी भी बहुत प्यारी लग रही है सूट में। ये कलर मेरा बहुत ही फेवरेट कलर है, ब्लू कलर, हमेशा इस कलर के कपड़े पहनती हूँ मैं। तो बिलाल आपने मुझसे पूछा नहीं कि मरियम किस खुशी में केक लेके आई है? हाँ, तो मैं छोटा सा नन्ना मुन्ना केक लेके आई हूँ। मैंने कहा हाँ, तो नन्ना मुन्ना केक लेके आई हूँ मैं, कैसी बात है, हम खाएंगे। चले आ जाए, मेरे ज्यादा तो यार चलो सो। बहुत प्यार लग रही है, के बाल भी आ रहे हैं अब देखो जरा, इसकी मतलब ग्रोथ बहुत है बालों की माशाल्लाह से। अल्फा हर चीज मांगती है बच्चों की, जो अनमोल खा रही है वही मांगती है। और एक बात चला जाओ, पिक्चर लेते हैं पहले। चले जब केक कट करते हैं, सब बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं केक खाने के लिए, सबको भूख लगी हुई है। इस तरह रखे तो अब आते हैं स्पेशल इंसान बिलाल, जिसकी वजह से मैं इस मुकाम पे पहुंची हूँ। वैसे अशर मेरे साथ है, सब मेरे साथ होते हैं, तो सबको ना बस ये है कि ना आज ख्वाब देख रहा हूँ मिलियन हो गए परेशान हो गया, मिलियन कैसे हो सकते हैं, ख्वाब देख रहा हूँ। अच्छा आपने इनको सिखाया था, मुझे जो भी सिखाया था ना, मैं बताती हूँ, एक घंटे में सब कुछ सीख गया, घंटा भी चार मिनट सेकंड में मैंने सब कुछ सीखा था। जिसने सीखना था ना वो सीख जाता है, ये तो साल साल गुजर जाए। अल्लाह का हुक्म है, जिससे अल्लाह ने सिखाना है मैंने क्या सिखाना है, ज्यादा कोई हो रहा। अच्छा अच्छा, बुलाने ने मुझे सब कुछ कंप्यूटर चलाना सिखाया था, फिर उसके बाद हमने आगे जो काम किए थे इसलिए हम इजी हो गई है। हमें सब कुछ आशुक्र अल्लाह का, सब कुछ आशा कहती ना कि बुलाने ने सिखाया, तो मैं कहती हूँ कि ना जो एक सेकंड में सीख रहे ना वो उससे कहते हैं सीखना, जो साल गुजर जाए और कहे कि अभी तक नहीं आया मुझे नहीं सिखाया गया। चलो वड्डो ना, चलो जी अब केक कट करते हैं। चलो जी खैर मुबारक, जिसने ना खुद ही एडिटिंग करके कुछ मतलब सीखती है, सब कुछ वीडियो भी खुद बनाती है, बोलो। चलो अली भाई भी साथ मिक्स है ना, वो अकेली है, ये अकेली है बिल्कुल। और दूसरे नंबर पे आशा को, जो कहती मैं कुछ नहीं खाती लेकिन बातें सब कर पा रहा हूं। चलो ले लो, और अम्मी को आज कल अभी बड़ी चुप चुप और हंसती हैं बस। बहुत बहुत मुबारक हो, ये लो बहुत मुबारक हो, बातें आपकी बहुत देना था, केले सब कुछ करना बड़ी बात है, बहुत बहुत मुबारक हो। तो अब बारी है अली भाई की, जो खुद फनी है, हर वीडियो में काफी मजाक होता है, हम लोगों को समझ आ रही थी क्या कह रही थी। बारी को ये 70 साल की हो गई मुझे, कोई बात नहीं, एक दिन सबने बोला ही 70 का।
दो इंसान को भूल गई हूँ इस टाइम में, यहाँ नहीं है अपने घर में। केक इससे बनने लगी है, दाल जो है मैंने जो हिस्सा ले रहा है, और अली हमेशा के लिए, और अली हमेशा की तरह कहता होता है कि डबल हिस्सा लेना है, डबल नहीं आज चार ही से मांग रहे हैं, चार से मांग रहे हैं, तो बस थाली ही खाया है आपने, हम ये खाएंगे वाइट ये दो बस पूरा ही दो थम्स अप को हम चाय के साथ खाएंगे, चाय के साथ। चलो शुक्रिया, मैं चाय के साथ खाऊंगी, चले जी केक तो खा लिया, अब सब बैठ गए हैं, तो हम एक स्पेशल चीज लेके आए हुए हैं, केक के साथ लेके आए थे, वो मैं बनाने लगी हूँ, अब मुझे वो क्या हो सकती है, सोचो क्या हो सकता है। हाँ बिलाल ने पूछ लिया क्योंकि बिलाल का बर्गर के साथ बोतल पीते हैं। हाँ बोतल भी आई है, बोतल भी है, चाय भी पी लो, बोतल भी पी लो, दोनों चीजें। अम्मी ने बनाया था शामी कबाब, तो इस वजह से मैं सोच रही थी क्या खाना है, अल्फा ने क्या खाना है, क्या खाना है, कुछ भी नहीं खाया, अल्फा खाती है वैसे केक, खाती है ना, पेट खराब हुआ है, तो हमारा छोटा बाबा ना आजकल बड़ी स्टोरीज में आ रहा है मेरी, तो बेचारे को नजर लग गई मुझे लगता है, बुखार चढ़ा वैसे छोटे बाबे को, अच्छा अनमोल ने बबल अभी तक नहीं फेंकी, इसलिए अनमोल ने केक नहीं खाया, बबल खा रही थी, अनमोल का हिस्सा इधर बड़ा हुआ है ये देखिए। तो और बताएं सुमीना अभी आपने भी, आपको भूख लगी हुई मुझे लगता है, जल्दी जल्दी करूँ मैं। हाँ तो आशा बस चले देखते हैं अब क्या करना है, शामी कबाब फ्राई करना है ना, सात बर्गर तो एक मिनट में सेकंड में तैयार हो जाएंगे, है ना, शामी कबाब अगर बन गए हैं तो फिर बर्गर का कोई ज्यादा टाइम नहीं है, बंद को भी प्याज बना रहे हैं ना, बंद को भी आप लोग खाते हो शौक से, हम तो वैसे ही खा लेते हैं, कुछ इतने नखरे नहीं है ना बंद गोभी के ना प्याज के, है ना आशा, लेकिन आज तो बनाते हैं, फिर तो प्याज काटते हैं और बनाते हैं बंद गोभी, बंद गोभी कह रही हूँ बर्गर तैयार करते हैं फिर, है चले फिर जल्दी करें बातें ना करें, जल्दी करो आज आज। तो मैं किचन में आ गई हूँ, किचन में शाम के बाद बने हुए हैं, ये हम लेके आए हैं बंस, और तवे पे मैंने ऑयल डाल दिया है ये देखें, और साथ ही अंडा फेंट के मैं फ्राई कर लेंगे, यहाँ पे प्याज मैंने काट कर ली है, और ये बंद गोभी है याशा बना लेगी, अब चले बस अब ना ये ना ये करती हूँ, मैं फ्राई करती हूँ, अंडा मैंने फेंट लिया था बस, ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, इस तरह मैं एक करके इसको ना फ्राई करूँगी शाम के बाद। नहीं मुझे नहीं पसंद, पर खा लूँ मुझे वो अच्छा लगता है क्रिस्पी बर्गर, मुझे बर्गर। तो मैंने फिर इतना गंदा हो गया भी, मैंने क्लीन किया था तो बस शुरू हो जाता है, जब काम पूरा ऐसा हो जाता है क्या करें इंसान, साफ करने के बाद में अब ये भी नहीं है कि चले मम्मा की भी हेल्प ले लो, उसके बाद ये बर्गर की क्वीन शामी कबाब, बर्गर की क्वीन कर दी आशा, कहती है कि मैं कैमरे में, तो मैं कैमरा पकड़ा हुआ था, मैं कैसे कर सकती हूँ, लोगों को लगता है आशा कोई काम करती है, आशा ने कैमरा पकड़ा होता है, सुन ले सारी जिंदगी मैंने यही सुना है कि मरियम और मोमना काम कर रही थी, नहीं पता कैमरा पकड़ा होता है, और आमला का भी मैं कैमरा पकड़ के उसके प्लाजे में गई होती हूँ, तो कहते हैं आमला की हेल्प नहीं करती, अगर मैं हेल्प करूंगी तो कैमरा पर पकड़ेगा मोमना जी, ये यहाँ पे बंद गोभी मोमना के बहुत ही फेवरेट है, क्यों मोमना आपको क्यों पसंद है इतने, क्यों पसंद है शामी कबाब बर्गर, जब से मोमना की शादी हुई ना तब से बर्गर बनते, पैसे तो नहीं बनते, नहीं इतने नहीं बनते थे, तो शामी कबाब रेडी हो गए हमारे, तो इधर सुमीना मम्मी भी आ चुकी हैं, और मोमना मम्मी भी यहाँ हेल्प करने आ चुकी हैं, आ रही है, वो बना रही थी बंद को, तो यहाँ पे सब कुछ ध्यान बहुत तंग कर रहा ना साथ में, अब इसके अंदर हम असेंबल करेंगे ना।
तो यहाँ पे देखें बहुत मेहनत हो रही है मैंने तो अंडे मैंने शामी कबाब फ्राई करके अंडे फ्राई करके साइड पे हो गई हूँ। मेहनत असल ये है, हर काम में मेहनत होती है, कोई ऐसा काम नहीं है ना ये बताने में, तो इसमें भी इतनी मेहनत लगती है ये बताने में भी, है ना। मेरा भी हो गया लाल, पूरी गर्मी आ गई है। सबके लिए बन रही है अनमोल, अनमोल बबल खा रही थी। नहीं मैंने बबल खा लिया, फेंक दिया। चलो अच्छी बात है, अब केक खा लो आप, आपका रखा हुआ है। आज लग रहा है ज्यादा ही बर्गर है, कितनी हो रहा है, टाइम लग गया है ना, सारे भूखे हैं। भूखे का मतलब है सबको भूख लग रही है, सब वेट कर रहे थे इस वजह से ना टाइम हो गया। चले जी बस ये सेट हो गया। चले इसे तवे पे रखे से गर्म करती हूँ ना, सेक लगाती हूँ। मेरा चिटा बाबा भी आ गया है किचन में, मम्मा के पास आ गया है यहाँ पे। चिटे बाबे को बहुत ज्यादा कुकिंग करने का शौक है मुझे लगता है ना, बर्तन बर्तन शौक पकड़ता है ये। तो बर्गर रेडी हो चुके हैं, बस मतलब सेक लगता है क्योंकि कोई ठंडा बर्गर शौक से नहीं खाता। हाँ सुबह अच्छा मैं तो खा लेती हूँ। इतनी देर नहीं देखी आपके बर्गर, इतनी देर हो गई है, एक मिनट में बर्गर बन गया। तो मैं इससे बाहर भागी तो बहुत ज्यादा धुआं हो गया था। चले बस हो गया, तो बर्गर रेडी हो गए हैं और दाल भाई आपको आपको ये तो मेरी आदत है, नीचे गिर जाएगी अनमोल, आपने नीचे नहीं गिरानी। नहीं नहीं उसको इसलिए पकड़ा हुआ है क्योंकि हम बबी बर्गर बना के आए हैं। हाँ क्योंकि बहुत लोग कमेंट करते हैं। और एक और बात सब लोग मुझे कहते हैं कि मैं अक्सर बताना भूल जाती हूँ कि मैंने माफी आप ना मतलब कैसे हैंडल करती हैं, अपनी तरफ रहती हैं ऐसे। तो कुछ लोग कहते हैं ना हम भी ऐसे रहते हैं, बहुत सी बातें सुननी पड़ती है। तो अभी भाभी आपको बहुत खुश कहती होंगी कि ऐसी बात नहीं, पर कोई ऐसी बात नहीं है। आज तक मुझे बोलने भाभी ने कभी कुछ नहीं कहा और सुनने भाभी को आए बस चार साल हो गए, उन्होंने कभी कुछ नहीं कहा। तो कुछ भी मोमना भाभी ने मोमना भाभी को बताया कि किस हालात में गुजरी हूँ मैं ना, मोमना भाभी जानती हैं सब कुछ, लेकिन मुझे कभी किसी ने आज तक कुछ नहीं कहा। शुक्र अल्लाह का सब कुछ ठीक है कि मतलब कोई ऐसी बात नहीं है। आप कुछ हमने भी कुछ कहना है ना मोमना, बस तो इसलिए ना मैं सबको कहना चाहूँगी कोई ऐसी बात नहीं है। मैं खुश हूँ जिस भी किसी भी हालत में इंसान को खुश रहना चाहिए कि बस आगे तो ना जानता है कि इंसान जिसमें क्या लिखा है आगे क्या होना है। लोग बहुत पूछ रहे हैं कि बड़ी माफी आशा ने जैसा कि पिछले लास्ट वीडियो में कुछ कह दिया था, लोगों ने इतनी इतने मैसेज किए इतने मैसेज किए। चले बस हम ना खाते हैं, आशा आप ही आ जाएं, आप भी बैठ जाएं ना, आप इतनी मेहनत कर रही, इतना शूट करती हैं आप, इतनी मेहनत से आप बैठ के खाएं, आप इधर बैठ जाए, जगह है यहाँ बैठे, इधर बैठ जाओ। तो यहाँ पे सबने खा लिया है, आज बर्गर बड़े अच्छे थे, फ्रेश थे, वरना हमेशा ऐसा होता है दो दिन बाद बर्गर खाओ ना तो उसमें ना जीव सा आता है। सही बात है ना, ठीक है बर्गर बहुत अच्छा था। आप करने भी जाना है बंद, चलो जी तो बहुत मजा आया, चले बहुत अच्छी पार्टी थी, ठीक है चले चले। मैं आपको बर्तन धो रही हूँ, मेरा काम है। आपको पता नहीं है कि जो न्यू बर्तन है वो खराब करती है, मैं ग्लास धो के रख रही हूँ, ये हमने हाफ सौ पे वीडियो के लिए ग्लास हमने रखे हुए हैं करते हैं। अनमोल भी कभी हमारे साथ होती है, जिद करती इतनी फिर भी आ जाती है। लेकिन अनमोल क्या पहन के आई है, अब जा रही है वो करने, आपको जवान ही नहीं है। अच्छा आज पार्टी का मजा है ना, तो बस मेरी बुबू को आपने तो मुबारकबाद दी थी।
उगाड़ी को कैसे करते हैं वैसे तो बस ना अब ना मॉल चले हम वॉक करने चले हाँ। तो इसी के साथ वीडियो का एंड करते हैं। अगर आप ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और थोड़ा सा आप आगे हो जाएं, जरा आयशा बहुत पीछे जा रही है कैमरा लेके। तो बस और मुझे अपनी दुआ में लाजमी याद रखिएगा, मेरा इंस्टा लाजमी फॉलो करें, ऊपर आपको आईडी मिल जाएगा। और बस बहुत जल्द भेजिए ना कि मेरे ना 1 लाख कर दें, जिस तरह मैं हमेशा कहती हूँ। ठीक है ना आयशा, सबके हो गए आयशा पैर आ गए, बस हम पीछे रह गए दोनों। तो हम इतनी कोशिश करते हैं कि अच्छी अच्छी वीडियोस आप लोगों के सामने लेके आते हैं, फिर भी हम पीछे रह गए। पीछे इसलिए रह गए, कुछ करते नहीं सही नहीं हमारा, मेरा सिर्फ 3 माह का जो गया था, इस वजह से पीछे रह गई हूँ। तो बस अब ना हिम्मत करते हैं कि अच्छे अच्छे व्लॉग्स आप लोगों के सामने शेयर करें। आपका साथ तो मैं देती हूँ पर मेरा साथ नहीं कोई देता। आप ना बहुत कम वीडियोस बनाते हैं इस वजह से, इसलिए कि मैं किसी को तंग नहीं करती। अच्छा चलो ठीक है, फिर हम चलते हैं और हम बस ठीक है लाफिस कह दो, दुपट्टा लेते हैं अपने सर पे और चलते हैं भाई। ऐसे नहीं इस तरह मैं जाऊंगी, दुपट्टा फिर कवर करके जाऊंगी, देखो मैंने इस तरह मोहल्ला कवर किया, इस तरह हम जाएंगे भाई। ठीक है ना, लाफिस।